हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हैक व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। तो अब सुबह हो गई है, फिर मैंने सोचा कि आज बच्चों की डिमांड थी कि भाई आज हलवा खाएंगे हम सुबह सुबह, तो थोड़ा वो रीज़न भी था इसका कि श्राद्ध चल रहे हैं, आजकल तो कुछ ना खीर हलवा बनता ही रहता है वैसे भी। तो बच्चे कहते कि आज उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कहते कि हम ब्रेकफास्ट में ना मम्मी हमको यही दे दो, हलवा और दे दो और दूध दे दो, हम यही खा लेंगे, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो फिर स्कूल में ऐसे ही कुछ स्नैक्स वगैरह ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है फिर तुम खा लो, फिर बच्चे खाने लग गए। और अब ये थोड़ी सफाई सी करी थी आज, थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी सामान इधर उधर करके, तो फिर सारी सेटिंग चेंज करी थी। तो मैं ज़्यादा वैसे इधर हैवी वेट मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। ये अलमारी इधर थी तो मैंने इधर कर दी, और जब ये आके देखेंगे पति देव तो थोड़ा बोलेंगे कि तुमने अपने आप ऐसे क्यों करा भाई, तेरे को दिक्कत हो जाएगी फिर काफ़ी। तो मैंने कर ही दी, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देती हूँ। और अब ये थोड़ा ऊपर आई थी तो यहाँ पे थोड़ी आग सी लगी हुई थी, धुआं धुआं दिख रहा है ना आपको, क्योंकि बारिश आ रही है तो आग थोड़ी बुझी गई, और काफ़ी फायर ब्रिगेड भी आई थी यहाँ पर। और अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, डेलगोना कॉफ़ी। इसके लिए आप सब देख ही रहे हैं कि पहले मैंने इसमें थोड़ी दो कॉफ़ी के पाउच डाले हैं, जो छोटे पाउच आते हैं 2-2 रुपये वाले नेस्कैफे के, और थोड़ी देसी खांड डाली है। देसी खांड ही यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वाइट शुगर तो हम इग्नोर ही करते हैं, यूज़ नहीं करते, वो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सालों से नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वो थोड़ी हार्मफुल ही होती है, इसलिए देसी खांड का ही यूज़ मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप भी वही यूज़ किया करें, क्योंकि देसी तो देसी ही होता है। और अब ये मैं इसको फेट रही हूँ, बिल्कुल ठीक कर लेंगे हम इसको, और फिर डेलगोना कॉफ़ी बनाएंगे आज। तो इसको काफ़ी ये ठीक रखना पड़ता है इसका, और ये अब ज़्यादा ही हो गया है तो ये फेंटने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है एक हाथ से। तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और ये दूध बॉयल हो रहा है मेरा। दूध बॉईल करना भी बहुत थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कॉफ़ी बनाते टाइम, क्योंकि मैं इसको कॉफ़ी को बॉईल नहीं करूँगी, तो कॉफ़ी मैं ऐसे ही डाल दूँगी और बॉईल दूध उसके अंदर डाल दूँगी। और ये काफ़ी बॉईल हो गया है, देख रहे हैं आप सब, बाहर ही निकलने वाला था। और अब थोड़ा इसको नीचे जाने देते हैं, फिर इसको मैं निकाल के कप में डाल दूँगी। तो इतने तक ये थोड़ा नीचे होता है तो कॉफ़ी को कप में डाल लेते हैं। और ये जितना भी आपको टेस्ट चाहिए कॉफ़ी का और शुगर का, तो फिर आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए तो उतनी ही आप ले सकते हैं एक एक चम्मच में। एक एक चम्मच से भी काफ़ी अच्छा ही यम्मी टेस्ट आ जाता है, क्योंकि कॉफ़ी तो भाई थोड़ी कमी मीठी अच्छी लगती है मेरे को तो। खैर वैसे आप सबको भी कमी मीठी अच्छी लगती होगी, क्योंकि ज़्यादा मीठे में तो कॉफ़ी का टेस्ट ही बिगड़ ही जाता है। और अब इसमें थोड़ा दूध डाल देंगे, तो ये कप से इधर उधर गिर गया था, तो फिर मैंने कटोरी ले ली, क्योंकि पतीला तो बहुत गर्म है, तो मैं इसको इतने बड़े पतीले को उठा नहीं सकती, तो मैंने कॉफ़ी ये दूध ना थोड़ा कटोरी से ही निकाल दिया। और आयु भी पिएगा थोड़ा, और तो जिया भी पिएगी, तो आयु अपनी पसंद का ही कप लेता है, वो उसने अपने कप में डलवाई, और जिया और मैं तो सिंपल नॉर्मल कॉफ़ी मग में ही पी लेंगे। और इसको अच्छे से देखो कितने अच्छे झाग भी आ जाते हैं, और काफ़ी यम्मी टेस्ट भी आता है इसका। और अब ये थोड़ा सा हम आ गए थे बाहर घूमने पार्क के साइड, ये घर के पास ही पार्क है, तो यहाँ पे सामने ही इनका घर है, तो ये काफ़ी अच्छे रैबिट लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनका भी बना रहे थे, क्योंकि इसका भी एक रीज़न था कि वो पीछे सारा और आए हुए थे, तो उन्होंने एक बैग परचेज़ किया था, तो फिर उसकी डस्ट टूट गई थी, तो मैं इनको बोलने आई थी, तो मैंने आई थी इनको बोलने पर फिर ये देखे मैंने रैबिट से, तो फिर मैंने सोचा ये तो काफ़ी अच्छा सीन है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि देखो तीन ही एक पिंजरे में आए हुए हैं ये, और ये बैग दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे ने पकड़ लिए अपने हाथ में, काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट से होते हैं, पर इनमें ये है कि रैबिट अगर आप पकड़ रहे हो तो आपके अंदर स्मेल तो हो ही जाएगी रैबिट की स्मेल तो बहुत बेकार ही लगती है, जिनको एक्सपीरियंस है, खैर वो उनको तो पता ही है, तो फिर इसके लिए काफ़ी जो साफ़ सफाई रख सकते हैं तो उनको ही सजेस्ट करना चाहिए भाई हाँ वही रख सकते हैं ये रैबिट वगैरह भी, क्योंकि इनमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, वैसे ये काफ़ी अच्छे से रखते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कितने साफ़ सुथरे सुंदर से हैं ये, इनकी आइज़ भी बिल्कुल पिंक
रेड कलर की है, मैंने सोचा था पिंक है, पर ये बच्चा बोल रहा देखो आपको नीचे रख के दिखाता हूँ और आप इस पर लाइट लगा के देखो तो ये रेड कलर की ही दिखती है। वो इन्होंने दोनों भाइयों ने रख दिया अपने ये नीचे, तो मैं देख रही थी कि कभी काट वाट ना ले, तो फिर मैंने इनसे पूछा भी था कि ये काटते तो नहीं, कह रहे नहीं काटते नहीं है। तो फिर मैंने इसकी आई कैप्चर करी थी तो ये रेड कलर की दिख रही थी मेरे को। काफ़ी प्यारे क्यूट से लगते हैं, कोई भी आप छोटा एनिमल देख लो या बर्ड देख लो तो ये काफ़ी अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि ये बेजवान है, इनको प्यार ही चाहिए और चाहिए ही क्या इनको। देखो ये रेड कलर की दिख रही है, कितनी प्यारी लगती है ना आईज इनकी। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप सबसे बाय कहना चाहूँगी मैं, और आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर से ज़रूर करें। और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप सबका प्यार सबसे ज़्यादा कीमती है, और ये आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।